सो हियर वी गो ऑल ऑफ यू वेरी वार्म वेलकम एंड इन कंटिन्यूशन जो हम बात कर रहे थे इंडस वैली सिविलाइजेशन की हड़प्पन कल्चर की जिसको हम कहते हैं हमने सरस्वती सिविलाइजेशन भी इसको नाम दिया हमने डिफरेंट डिफरेंट साइट्स की बात की हमने मेजर साइट्स की बात की हमने लोकेशन की बात की हमने सिटीज की बात की थी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स की बात भी की थी हमने ये भी बात की थी कि आयरन नहीं मिलेगा लेकिन बाकी बहुत कुछ मिल रहा है इधर और ये अपने आप में एक बहुत ही अभूतपूर्व और बहुत ही मतलब यू नो फैसिनेटिंग है बहुत मूवमेंट यू विल यू नो इसके साथ अगर आप लिंक करके सोचेंगे तो यू विल बी हैविंग सच अ वंडरफुल एक्सपीरियंस आपको पता लग जाएगा कि हाँ वो सिविलाइजेशन अपने टाइम में कितना इम्पोर्टेंट है और उसपे शॉर्ट नोट तो खैर बड़ा एग्जाम कोई हम देते हैं उसमें हमें शॉर्ट नोट लिखने को आते हैं अगर हम कोई एग्जामिनेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं अगर वो देते हैं वहां पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही आता तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में पॉटरी थी और पॉटरी दोनों टाइप की थी वहां पर पॉटरी जो है वो व्हाट आई कैन से पॉटरी विल बी प्लेन पॉटरी ऑल्सो एंड पॉटरी विल बी डेकोरेटेड पॉटरी ऑल्सो बोथ द पॉटरी विल बी देयर लेकिन पॉटर्स व्हील भी होगा अब अच्छी बात क्या है अगर मैं इसके बाद सिंपल भाषा में बोलूं उसी पॉटरी के ऊपर देयर विल बी डिफरेंट काइंड ऑफ डिजाइन एंड ड्रॉइंग्स अब वो आपकी फैसिनेशन और आपके माइंडसेट पे डिपेंड है अगर आप सोचोगे उस पर क्या था तो बहुत कुछ था ट्री से लेकर फीमेल लाइफ से लेकर चेस बोर्ड के पैटर्न से लेकर बर्ड्स स्नेक पीपल पीपल मतलब पीपल ट्री मतलब रिलीजियस बिलीफ भी होंगे कुछ एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन भी होंगे और कलर भी होंगे और प्लेन भी होगा तो मतलब बस इतना हमारे लिए जानना जरूरी है कि पॉटरी जो है वाज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ अब आज भी हम शहरों में गांव में तो ऐसा कम करते हैं लेकिन शहरों में माउस ट्रैप मिलता है शहरों में भी मिलता है मतलब गांव में ही मिलता है माउस ट्रैप व्हेन वी वांट दैट कि हमारे जो अनाज है हमारा जो खाद्यान्न है उसको माइस या रोडेंट्स ना खा जाएं तो उस समय भी हमें माउस ट्रैप मिले हैं उस समय भी हमें यू नो ऐसा हमें एविडेंस मिला है कि भाई जैसे हम तोता पालते हैं हम जो है यू नो खरगोश या फिर हम जो है पेट लाइफ की जो हम बात करते हैं तो इंडस वैली सिविलाइजेशन रिफ्लेक्ट्स अ वेरी वेरी हाई प्रोफाइल अ वेरी वेरी सिस्टमेटिक अप्रोच इसी तरह से आइवरी वर्क आज भी हम बात करते हैं आइवरी और फियंस मैंने पहले भी बताया था इट इज ड्राई क्ले जैसे आप क्ले है उसको बर्न कर देते हैं फिर वो ड्राई हो जाती है ऐसे ही लैपिडरी एक आर्ट होती है लैपिडरी आर्ट जैसे लखनऊ में जाओगे तो चिकनकारी तेलंगाना में जाओगे तो कलामकारी कर्नाटक में जाओगे तो बिदरी वेयर उसके बाद आप बंगाल में जाओगे तो उसकी साड़ी वाला जो कल्चर है वो डिफरेंट होगा यू नो जैसे आप पेंटिंग्स भी डिफरेंट होगी कालीघाट पेंटिंग जैसे बंगाल में जाएंगे वी विल गेट कालीघाट पेंटिंग्स हम उड़ीसा में जाएंगे वी विल गेट पट्टचित्रा तो सिमिलरली इन केस ऑफ हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन ऑल्सो वी फाइंड वेरी अमेजिंग एग्जाम्पल्स ऑफ लैपिडरी आर्ट और स्टेटाइट जो मैंने पहले बताया स्टेटाइट का मतलब होता है सोप स्टोन यानी कि एक तरीके का सॉफ्ट रॉक जो कि बलूचिस्तान अरावली डेक्कन्स इन सब जगह हमें मिलता है हड़प्पन आर्टिस्ट ने उसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत कारीगरी की जैसे अभी आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक जब खोलेंगे और नए वाला एनसीईआरटी जब आप थीम्स वाला टेक्स्ट बुक करेंगे तो उसमें आपको एक फोटोग्राफ दिखाई देगा जिसको हम कहते हैं प्रीस्ट एंड द किंग हमें लगता है वो प्रीस्ट है ऐसा उसकी आईज क्लोज ऐसे एकदम हाफ बस्ट में फोटो उसका है पोर्ट्रेट है उसका सो वी फाइंड कि वो क्या था उसका रोल क्या था यानी कि इंस्क्राइब्ड सील्स बनाने के लिए भी स्टेटाइट का यूज किया उसके बाद हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन इज ऑल्सो लिंक्ड विद शेल मैन्युफैक्चरिंग यू नो शेल मैन्युफैक्चरिंग इज ऑल्सो ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्राफ्ट आज भी अगर हम कच्छ जाते हैं कच्छ गुजरात तो हमें जो है खंबात रीजन में जहां से ओमान और आगे मेसोपोटामिया में उस टाइम पर भी वो एक्सपोर्ट होता था रॉ मटेरियल भी वहां से जगह जगह लेके आया जाता था तो इट्स एन अमेजिंग वेरी फैसिनेटिंग थिंग स्टोनवेयर बैंगल्स की बात भी करेंगे वो भी वहां पर मिलती थी उस टाइम पे भी जो है सोफिस्टिकेटेड टेक्निक के साथ वुमेन सॉफ्टवेयर बैंगल्स को पहनती थी हाईली रिफाइंड क्ले से बनी हुई थी और जो है ऐसा लगता था जैसे कि कोई डाई से बनाया है उसको सो वी मस्ट एप्रिशिएट दैट दे हैव दैट सच साइंटिफिक थिंकिंग इसीलिए जब पहले दिन हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम साइंटिफिक कहते हैं क्या इंडस वैली को हम सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं वॉज इट अ
such a high level urban culture? Yes, it was such a high level urban culture. Similarly, lithic industries, lithic माने stone, stone industries भी थी. Techniques था, chert, chert एक type का semi precious stone है, उससे बनाया जाता था. और percussion, percussion यानी कि आप थोड़ा थोड़ा उसको पीटते रहते हो, थोड़ा बना के आप वैसा बना देते हो. Spinning and weaving is also integral to Indus Valley civilization. That is why the architects of the Indus Valley civilization, they were having scientific knowledge. That is what we can conclude. So art is basically product of field craft and technology. और field craft वहाँ पर बहुत ज़्यादा है. Stone sculptures भी मिले हैं. आप अगर एक list बनाएंगे, when you Google and when you see कि stone sculptures जो हैं, वो कितने important role play कर रहे हैं stone sculptures. Majority of sculptures are coming from Mohenjo-daro. थोड़े बहुत हड़प्पा से भी आ रहे हैं, जैसे मैंने अभी आपको example दिया priest का. उसके बाद आपको जो है बाकी ऐसे male, half male torso मिलेगा. उसके बाद जो है लाइमस्टोन का भी मिलेगा. लाइमस्टोन का भी ऐसे हम कह सकते हैं कि स्टैचू हमें वहां से मिलता है. व्हेनेवर यू विजिट दिल्ली, दिल्ली में नेशनल म्यूजियम है. नेशनल म्यूजियम में जब आप आते हैं तो वहां पर पूरी एक गैलरी है इंडस वैली सिविलाइजेशन. उस गैलरी में बहुत ही बढ़िया तरीके से सिंस वेरी बिगनिंग वहां पर सारे के सारे आर्टिफैक्ट्स रखे हुए हैं, कि वो आर्टिफैक्ट्स जो है दर्शाते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के एक्सकेवेशन में जो भी हमें मिला है. तो मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, बाकी चीजें हैं, वहां से हमें ये सारी चीजें मिलती हैं. नटराज अगर मैं कहूं, जो कि चोला टाइम पीरियड से है, लेकिन वहां पर हमें नटराज जैसा भी कुछ, हमें डांसिंग शिवा के रिप्रेजेंटेशन जैसा भी कुछ मिलता है एग्जैक्टली, लेकिन हम ऐसा कह नहीं सकते. ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स आर ऑल्सो वेरी इंटीग्रल टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन. ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स, दाइमाबाद मैंने आपको कहा था महाराष्ट्र में एक साइट है, और दाइमाबाद साइट से हमें एक ऐसा बुलॉक कार्ट मिलता है. उस बुलॉक कार्ट के आगे मतलब आप कह सकते हैं कि पेयर ऑफ बुल्स हैं, एलिफेंट है, राइनोसोरस है, बफेलो भी है. और उसको जब आप देखते हो तो आपको लगता है वाओ, दिस मस्ट बी ऑफ द प्रेजेंट टाइम्स. यू जस्ट व्हेन यू सी इट, आप महसूस ही नहीं कर सकते ये इतना पुराना है. सील्स की जब हम बात करते हैं, मैक्सिमम सील्स जो है वो आपके आप कह सकते हो कि मैक्सिमम सील्स जो स्टीयटाइट से बनी हुई है, स्टीयटाइट. और सील्स जैसे मैंने पहले बोला था, दे एक्ट एज आइडेंटिटी कार्ड ऑल्सो. दे आर एक्टिंग एज अ काइंड ऑफ अ स्टेटस सिंबल. दे आर ऑल्सो एक्टिंग एज अ काइंड ऑफ अ यू नो करेंसी. तो स्ट्रीट्स जो भी हमारे पास सील्स हैं वो बहुत ही पॉपुलर थी. अगर हमें बात की जाए तो सिर्फ मोहनजोदड़ो अकेले से हमें 1200 से भी ज्यादा सील्स मिले हैं. सोचिए आप, शिवा जो पशुपति सील मैंने आपको कहा था वो शिवा था, जिसको हम शिवा, प्रोटो शिवा भी कहते हैं. ऐसे ही लाइफ ऑफ द पीपल, जो लोगों की जिंदगी है, अगर हम उसकी बात करें, वो भी इंडस वैली सिविलाइजेशन से हमें रिफ्लेक्ट होती. लोग वेजिटेबल्स खाते थे, लेग्यूम्स खाते थे, मिलेट्स खाते थे. वही मिलेट्स जिसको यूनाइटेड नेशंस अभी बोल रहे हैं कि भाई इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट सेलिब्रेट करना चाहिए. हमारा सिविलाइजेशन 4,500 साल पहले उसके लिए चला जाता. व्हाट मोर प्रूफ डू यू वांट दैट वी हैव सच ए ग्रेट लेगेसी एंड वी मस्ट वर्क स्मार्ट फॉर इट. तो कॉस्ट्यूम्स जो है वो टेराकोटा फिग्रीन्स है मदर गॉडेस का, उसके लिए है. हेयर स्टाइल, फीमेल का हेयर स्टाइल के लिए भी हमें बहुत सारे पोर्ट्रेट मिलते हैं. ऑर्नामेंट मिलता है हमें, ज्वेलरी मिलता है. तो यानी आज के जीवन में आप सोचोगे यार, आज का जीवन में और पहले का जीवन में क्या कोई फर्क है? हाँ फर्क है. सबसे इंपॉर्टेंट फर्क है, वी वर मोर रिस्पॉन्सिबल एट दैट टाइम, वी वर मोर अकाउंटेबल एट दैट टाइम. अदरवाइज इंटरटेनमेंट में, अम्यूजमेंट में, सभी जगह आप कह सकते हैं हमारा रोल वैसे ही था. कॉस्मेटिक्स का भी हमें आइटम मिला है, टॉयलेट्रीज जिसको हम कहते हैं फीमेल के लिए टॉयलेट्रीज, वो भी हमें वहां से मिले हैं. वो सर में लगाने के लिए हो सकता है, डिफरेंट टाइप के क्लचर्स हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप का यू नो हेयर डिजाइनिंग के लिए हो सकता है, कुछ रॉड्स मिल सकते हैं कलरफुल, यू नो. ये सारी चीजें दर्शाती हैं कि कैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज सो डाइवर्स. म्यूजिक एंड डांस की बात भी हम करते हैं, वो भी एकदम वहां का इंटीग्रल पार्ट था. हंटिंग एंड फिशिंग इंटीग्रल पार्ट था. गेम्स एंड स्पोर्ट्स में मैंने पहले भी बताया था कि गेम्स एंड स्पोर्ट्स के अंदर आप कह सकते हो चेस, स्टेपू जिसको हम स्टेपू भी कहते हैं,
उसके बाद मार्बल गेम्स, जो भी हम फोक गेम्स आज हम बात करते हैं, वो सारे के सारे हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन से दिखाई देते हैं। अगर हम बात करें इक्विपमेंट्स की, इक्विपमेंट्स और टूल्स, तो वेट्स, यू नो वेट्स एंड मेजर्स, वेट्स एंड मेजर्स बहुत स्टैंडर्ड मिलता है हमें मैच्योर हड़प्पन पीरियड से। हमें जो है वहां पर हमें सीरीज के वेट मिलते हैं, 1:2:4:8:64, ऐसा करके पूरा एकदम सिस्टमेटिक अप्रोच से, जैसे आज 100 ग्राम्स, 200 ग्राम्स, 500 ग्राम्स, डेसिमल मल्टीपल्स में भी हमें वेट मिलते हैं। दिस इज सो अमेजिंग। उसके बाद हमें स्केल भी मिलता है, यू नो स्केल्स यानी लीनियर मेजरमेंट के लिए, मोहनजोदारो से भी मिला, हड़प्पा से भी मिला और लोथल से भी हमें स्केल मिलता है। तो ये सारी चीजें दर्शाती हैं इट वॉज ए वेरी वेरी एडवांस सिविलाइजेशन। राइटिंग मटीरियल, आज हम पेपर यूज करते हैं, उस टाइम पे हम बिर्च बार्क यूज करते थे, उस टाइम के हम कॉटन फैब्रिक यूज करते थे, उस टाइम पे हम लेदर और पाम लीव यूज करते थे, कॉटन भी हम स्पिंडल होल्स के ऊपर यूज करते थे, एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स भी हमें मिले हैं, हमें बोर्ड बिल्डिंग के आइटम्स भी मिले हैं, हमें टूल्स और वेपन्स मिले हैं। लेकिन टूल्स और वेपन्स के अंदर हम ये नहीं कह सकते कि वो बहुत ज्यादा एक वायलेंट सोसाइटी, स्पियर हेड्स, बड़े बड़े स्पियर हेड्स, बड़े बड़े सोर्ड्स, ऐसा हमें नहीं मिला है, कम मिला है बहुत। डैगर्स, छोटे छोटे डैगर्स मिले हैं, नाइफ्स मिले हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कहो कि भाई सोसाइटी वॉज वेरी मच इंटू वॉर काइंड ऑफ आर्मामेंट्स, तो ऐसा नहीं। इसीलिए मिस्ट्री है कि पॉलिटिकल लाइफ आखिर थी कैसी, पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था, क्या वहां पर कोई मोनार्की थी, क्या वहां पर दो कैपिटल थे, क्या वहां पर अल्टरनेट कैपिटल था, आखिर था क्या भाई। जब तक राइटिंग मटेरियल से हमें डिसाइफर नहीं होता है, हमारे लिए कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन ऐसा लगता है कि क्राफ्ट प्रोडक्शन का कन्वर्जेंस था, ऐसा लगता है रिलीजियस सिंबोलिज्म का भी बहुत तगड़ा रोल था, ऐसा लगता है पॉलिटिकल इंटीग्रेशन तो था, लेकिन वो इस टाइप से था कि सिस्टम पूरा एक ऑर्गेनिक तरीके से चले। कहने का मतलब है इंडस वैली का सिस्टम आप लोग जैसे इकट्ठा होके पढ़ना चाहते हो, वो कम से कम इससे तो बहुत अच्छा था। वो इतने पुराने लोग होकर भी ज्यादा जागरूक और ज्यादा रिस्पॉन्सिबल, ज्यादा अकाउंटेबल और ज्यादा एथिकल थे। रिसोर्सेज उनके पास भी शायद लिमिटेड थे, लेकिन उनकी सोच और उनकी विल पावर आप लोगों से ज्यादा थी, इसीलिए सोसाइटी हायर लेवल का एक सोशल सेटअप बना पाई। सोसाइटी में सर्टिफिकेशन था, होगा भाई, वरना इलीट क्लास अलग होगी, मिडिल क्लास अलग होगी, लोअर क्लास भी अलग होगी, और ऐसा लगता है स्पेशलिस्ट ग्रुप भी होंगे। जहां तक रिलीजन की बात है, हमें इनडायरेक्ट एग्जाम्पल्स मिलते हैं, टेम्पल या प्लेस ऑफ वर्शिप तो हमें कहीं नहीं मिला, लेकिन हमें जो है मिला है मदर गॉडेस, हमें मिला है पशुपति सील। तो भाई लगता तो है लोग नेचर को वर्शिप करते थे, लगता तो है कि लोग जो है किसी भगवान को, किसी सुपर नेचुरल पावर को मानते थे, जैसे त्रिमुखा, पशुपति, योगेश्वर, ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट थी। तो जगह जगह पर, टाइम टाइम पे आर्कियोलॉजिस्ट ने उसको रिप्रेजेंट किया है, और आर्कियोलॉजिस्ट ने ये भी पाया कि एनिमल वर्शिप भी थी, एनिमल वर्शिप बहुत इंपॉर्टेंट है वहां पर। एनिमल वर्शिप जो है दिखाती है मिथिकल एनिमल्स के थ्रू भी, यानी कि मिथिकल बोले तो सेमी ह्यूमन, यानी कि जैसे आप कहिए यूनिकॉर्न, यानी बिसॉन है, टाइगर है, उसके बाद जेब्रा है, हम्प्ड बुल है। यूनिकॉर्न आप गूगल करके देखेंगे तो आपको देख के मजा आ जाएगा, आप बोलोगे अरे वाह क्या इमेजिनरी एनिमल है, ऐसा तो होता ही नहीं है। ट्री वर्शिप होती थी, ट्री वर्शिप भी होती थी। क्या वहां पर टोने टोटके में विश्वास था कि पढ़ाई तो मत करो लेकिन हाथ पे एक धागा बांध लो, पढ़ाई तो मत करो लेकिन तांत्रिक से जो है अपना झाड़ा लगवा लो, ऐसा कुछ था कि नहीं था? तो ऐसा भी था, हर सोसाइटी में ऐसा होता है। फायर ऑल्टर्स भी हमें मिले हैं, फायर ऑल्टर्स यानी कि यज्ञ, हवन नहीं बोलेंगे, यज्ञ हम बोल सकते हैं। तो उसके हमें प्लेटफॉर्म मिले हैं, हमें बनावली में भी मिला है, और उसके बाद जो है हमें कालीबंगन में भी ऐसा मिला है फायर ऑल्टर्स। उसके बाद एनिमल सेक्रीफाइस के भी हमें एग्जाम्पल मिल रहे हैं। तो क्या रह जाता है एक ऐसे समाज में, हमें रिलीजन की तरह तरह बरियल प्रैक्टिसेस भी मिले हमें, और बरियल प्रैक्टिस से हमें पता लगता है कि लोगों ने
आपने बरी अपने आफ्टर लाइफ के लिए क्या सोचा था। तो फ्रैक्शन बरियल यानी कि कुछ कलेक्शन ऑफ सम बोन्स होगा, बॉडी को एक्सपोज कर दो पहले, वाइल्ड एनिमल 20 जैसे पारसी भी करते हैं, और उसके बाद आपने उसको बरी कर दिया। तो अर्न बरियल, अर्न यानी कि एक तरीके का एक मटका होगा, उसके अंदर आप स्कल हो सकता है या कोई फ्रेगमेंटरी बोन हो सकती है, वो भी मिलाया है। हमें पोस्ट क्रिमेशन बरियल्स भी मिले हैं, आप सोचिए कितना गजब की बात है। तो इकोनॉमिक लाइफ की अगर हम बात करें हड़प्पन सिविलाइजेशन में, एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री की बात करें, वो भी हमें मिली है। उसके बाद हमें जो है, जो हमने पहले चर्चा की कि यस वॉज देयर ए सब्सिस्टेंस, बिल्कुल सब्सिस्टेंस था। क्या वहां पर डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स था? बिल्कुल था, वो भी था। पिग्स मिला है, कैमल मिला है हमें, उसके बाद आप कह सकते हैं कि बोवाइन एनिमल्स की हमें, वो इंडियन गोट के हमें जो है बोन्स मिले हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि वेरियस क्रॉप्स कल्टीवेशन भी होता था, जो हमने जैसे अभी बात की, ड्वार्फ वीट है, सिसमे है, और उसके बाद जो है मिलेट्स भी हमें वहां पर मिले हैं। लेकिन कोई भी एक्सकेवेशन अब तक हमें जो है शुगर केन नहीं दिखा पाई, यू नो इक्ष्वाकू, मतलब इक्ष्वाकू तो मैं भगवान राम से जुड़ी हुई बात बोल रहा हूं मैं, लेकिन हमें जो है शुगर केन का एग्जाम्पल इंडस वैली से नहीं मिलता है। लगता है शायद हो, क्योंकि कुछ स्पेसिमेन शायद थोड़ा बहुत मिल सकते हैं, लेकिन बहुत ही एक्सप्लिसिटली हमें शुगर केन नहीं मिला है। वूवन कॉटन क्लोथ तो मिला है मोहनजोदड़ो में, यानी कि वर्ल्ड में सबसे पहले कॉटन जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन में हुआ। अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री का तो आप एग्जैक्टली नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो हो गई होंगी वो समय के साथ खत्म हो गई। क्योंकि आप अगर मान लो आपके पास स्पिनिंग व्हील था, वो भी आपके पास लकड़ी का रहा होगा, तो खत्म हो जाएगा वो। लेकिन जो भी फियंस यानी कि बर्नड क्ले के ऑब्जेक्ट्स थे वो हमें मिल गए, लेकिन एविडेंस मिले हैं हमें। ये हमें दर्शाता है ट्रेड था, हाँ जी ट्रेड था। आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में जब मैप देखेंगे तो आप देखेंगे अरे बहुत अच्छा ट्रेड हो रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड था, था रीजनल ट्रेड था, था, और शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेड था, था। सेंटर ऑफ मेटलर्जी थे, टूल एंड वेपन्स के लिए डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था जी। ऑब्जेक्ट ऑफ आर्ट्स वो भी थे। तो यानी ये हमें दर्शाता है कि वहां पर एक्सटर्नल ट्रेड भी हो रहा है, यानी सिर्फ इंडिया इंडिया में नहीं, आप वहां से ओमान, उसके बाद मेसोपोटामिया, दिलमुन, मेलोहा, पीपल्स ऑफ मेलोहा, मेसोपोटामिया के लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों को पीपल ऑफ मेलोहा कहते थे। तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड के लिए ऑब्वियसली आपके पास बोट होगी, आप उसके लिए सी का वो करेंगे, लेकिन शॉर्ट डिस्टेंस के लिए आप जो है आपके पास जो है अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होगा, मतलब टेराकोटा बुलक कार्ट्स मिलेंगे आपको, उसके बाद आपको कार्ट ट्रैक्स भी मिले हैं, ट्रैक्स रास्ते बने हुए थे। तो सिटी ड्राइवर्स के साथ जैसे अभी हम बच्चों के लिए टॉय खरीदते हैं, ऐसे भी हमें एग्जाम्पल मिले हैं, जिसको हम घोड़ा गाड़ी भी कहते हैं, अभी तांगा टोंगे का एग्जाम्पल भी हमें मिला है। तो ये सब और बहुत खूबसूरत होता अगर वहां की लैंग्वेज और वहां की स्क्रिप्ट डिसाइफर हो जाती। कमाल की बात तो ये है, ये सब हमें बिना लैंग्वेज और डिसाइफर के मिला है, लेकिन लगता है वहां की भाषा, लगता है वहां की स्क्रिप्ट इंडो यूरोपियन फैमिली से होनी चाहिए, या फिर वो एग्जाम्पल की अगर बात की जाए द्रविडियन फैमिली से भी हो सकती है। पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट हाइपोथेसिस बनाया गया कि लैंग्वेज जो है वो आज की द्रविडियन फैमिली के लैंग्वेज तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा, इनका भी एंसेस्ट्रल पार्ट है, ऐसा सोचा गया, ऐसा एक कंजक्चर लगाया गया, ऐसा स्कॉलर्स ने जो है आइडिया लगा के पता लगाया, तो द्रविडियन हाइपोथेसिस बनाई गई। एक मैं आपको बोलूंगा कि इरावती महादेवन, गूगल करिएगा उनको, इरावती महादेवन बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कॉलर रहे हैं, उनका नाम भी आपको पता होना चाहिए। तो ये मिस्ट्री है, इंडस वैली सिविलाइजेशन मिस्ट्री है, उसको अभी तक हम पूरे तरीके से डिसाइफर नहीं कर पाए। ब्राह्मी स्क्रिप्ट डिसाइफर हो गई, लेकिन हम जो है इंडस वैली स्क्रिप्ट को डिसाइफर नहीं कर पाए हैं कि भाई आखिर था कैसे, क्या था, क्योंकि कैसे लिखते थे वो, क्या लिखना चाहते थे। ये एक वन ऑफ द लास्ट अनडिसाइफर्ड स्क्रिप्ट है वर्ल्ड की। बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने आज तक कोशिश की है, लेकिन वो अब तक कर नहीं पाए। और आप सोचिए इंडियन कल्चर, इंडियन सिविलाइजेशन की वैल्यू कितनी बढ़ जाएगी, आप ये सोचिए जरा एक सेकंड के लिए।
डिसाइफरमेंट से सबसे इंपॉर्टेंट हमें पता चलेगा कि लास्ट फेज में हुआ क्या, 2000 बीसी से 1700 बीसी तक आखिर हुआ क्या, 2000 बीसी से 1700 बीसी। अरे भाई इतनी बड़ी सिविलाइजेशन आखिर खत्म कैसे हो गई, बिल्डिंग इंक्रोचमेंट हो गया, जो अभी आप अंडमान निकोबार और पोर्ट ब्लेयर में बता रहे थे, पब्लिक स्पेसेस पर भी इंक्रोचमेंट हो गया। मॉर्टिमर व्हीलर का कहना है कि उनको खत्म करने के लिए आर्यन आए, लेकिन आर्यन थ्योरी भी एक थ्योरी है। मैके और लेम्बार्क भी आर्कियोलॉजिस्ट हैं, और जॉन मार्शल उनका कहना है इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन इंडस रिवर की वजह से हुआ। बेसिकली कमाल की बात है, उसकी वजह से हुआ। बीके थापर सर का कहना है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कारण रहे हो, क्योंकि आप जंगल काटते जा रहे थे, सोशल इकोनॉमिक प्रेशर बढ़ता जा रहा था, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी, जैसे आज हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं ऐसा ही कुछ हुआ होगा। इसीलिए इकोलॉजिकल फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट हैं। केनेथ फेयर सर्विस और एक दो और इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिस्ट जैसे विष्णु मत्रे, उन सबका कहना है कि वाटर रिक्वायरमेंट्स जो है उसकी वजह से और बाकी रिसोर्सेज के मिस यूटिलाइजेशन की वजह से डिस्ट्रक्शन हुआ हमारे सिविलाइजेशन। हकरा, जो हम पहले गग्गर रिवर की बात कर रहे थे, हकरा वो जो है सब सूखता चला गया, डेजर्टिफिकेशन हो गया, और उससे जो है ये संभाल नहीं पाए। हड़प्पन सिविलाइजेशन एक डिक्लाइन फेज में जाने लगा, रूरलाइजेशन बढ़ने लगा, बड़ी बड़ी सिटीज जो है वो उजाड़ हो गई, वीरान हो गई, और उसकी जगह मिलने लगे हमें शहर, छोटे छोटे शहर और गांव। बड़ी बड़ी सिटीज अबंडेंट हो गई, बलूचिस्तान में हमें फ्रेगमेंटेड एविडेंस मिले, और इंडस वैली के अंदर हमें जो है आप लगाइए कि चीजें ऐसी दिखने लगी जो कि पहले जैसी नहीं थी। सौराष्ट्र और गुजरात मैच्योर हरप्पन पीरियड के बाद जो है चीजें खत्म होने लगी, और हमें सिमिट्री एच कल्चर, कौन सा कल्चर, सिमिट्री यानी कि वही मैंने जैसे बोला कि इट विल बी प्लेस फॉर सिमिट्री, लेकिन एच उसका नाम दिया गया। उसके लिए जैसे R37 मैच्योर पीरियड में है, यहाँ पर सिमिट्री एच हो गया। तो जब आपने देखा कि पोस्ट मैच्योर फेज आ गया है, तो उसको भी हमने जगह जगह के नाम देने लगे। जैसे आप बोलने लगे 12 वेयर साइट के ऊपर है, मीथातल जैसे हरियाणा में एक साइट है, जब उसको एक्सकवेट किया तो उस हमने फेज को कहा 12। ऑकर कलर पॉटरी OCP मिलने लगी, यानी कि अब वैदिक एज की बात होने लग जाएगी। उसके नीचे का मेरा कहने का मतलब है, जैसे जैसे आप ऊपर चलोगे तो आप लेट फेज की बात करोगे, सबसे नीचे अर्लीएस्ट, सबसे ऊपर लेटेस्ट। हाँ मोहन, यस मोहन प्लीज टेल मी, हेलो मोहन, आई कांट हियर यू। तो अब जब हम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि पोस्ट हरप्पन कल्चर को किस तरीके से चीजों को चेंज करना दिखाता है। अतरंजी खेड़ा, लाल किला, हस्तिनापुर, बुलंदशहर के आसपास साई पाई, इटावा, ये सब साइट्स अब प्रोमिनेंट में आने लगेंगे। लेकिन ये अर्बन कल्चर नहीं है, तो इसको आप डार्क एज कहते हो। इसीलिए जैसे डार्क एज, वैसे कोई डार्क एज नहीं है, इट इज, लेकिन एक तरीके का चेंज है ये। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन को आप कहोगे कि उसने आगे सर्वाइव किया कि नहीं किया, हड़प्पन कल्चर और सिविलाइजेशन ने आगे सर्वाइव किया कि नहीं किया, हाँ कि ना, बोलिए जगदीश्वरी। नहीं किया शायद सर। अच्छा नहीं किया, तो आज हड़प्पन सिविलाइजेशन के कुछ आइडियाज हमें मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? मिलते हैं सर। तो फिर सर्वाइव किया कि नहीं किया? किया है सर। अर्बन कल्चर ने सर्वाइव किया? जी सर।
नहीं, कंटिन्यूटी में, कंटिन्यूटी में अर्बन कल्चर ने सरवाइव किया, बताइए। किया है सर। अर्बन कल्चर ने कंटिन्यूटी में सरवाइव नहीं किया क्या? नहीं किया है सर। हाँ, अर्बन कल्चर ने कंटिन्यूटी में नहीं सरवाइव नहीं किया। रूरलाइजेशन आ गया ना, रूरल। अभी अभी हम वैदिक कल्चर की बात करेंगे, तो वहां पर यस कहाँ आ गया? सर। तो क्वेश्चन यही है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन कॉन्सेंट्रेटेड कहाँ था, ये हमें पता होना चाहिए। हड़प्पन साइट्स कहाँ थी, ये हमें पता होना चाहिए। लेट हड़प्पन कल्चर किसको कहते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। हड़प्पन अर्बन सेटलमेंट से दूर क्यों चले गए, ये हमें पता होना चाहिए। इतना सारा साइट्स मिला है वो हमें पता होना चाहिए। और जितनी भी हमने डिटेल में बात की, वो सारे आइडियाज को आप एक बार रिवाइज करेंगे और जो भी डाउट्स होंगे वो आप मुझसे पूछेंगे। अभी कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी, और हम नेक्स्ट अपने इंटरेक्शन में वी विल मूव टू द नेक्स्ट लेक्चर एंड वी विल बी मूविंग फास्टर बिकॉज वी वॉन्ट टू अंडरस्टैंड एंड वी वॉन्ट टू लर्न। एट द सेम टाइम यू विल बी मेकिंग यूर ओन नोट्स एंड यू विल बी रेजिंग द लेवल ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग। वैदिक और लेटर वैदिक हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। ओके सर। Anyone having any doubts, so please get back to me. बोलिए बोलिए माधवी, सलीना, बिट्सी, प्लीज शेयर योर डाउट्स एंड कमेंट्स। सर अर्बन कल्चर पूरा खत्म हो गया सर। बिल्कुल खत्म हो गया जी सर। बिल्कुल खत्म हो गया धीरे धीरे अर्बन कल्चर पूरा। विधान, हेलो मिस्टर विधान। यस सर। यस सर। नाउ डू यू हैव एनी डाउट्स, व्हाट एवर वी डिस्कस, समझ में आया? जी सर, समझ में तो आया लेकिन पूरी तरह अच्छे से नहीं आया, लेकिन कुछ कुछ समझ में आ रहा है। दोबारा सुनना। हाँ बिल्कुल, तो न्यूज़पेपर से आप क्या पूछना चाहते हो पूछ लीजिए। सर जैसे सर एक डाउट था, 19 डेट 19 पंजाब पेज नंबर 1 पे पंजाब पुलिस खालिस्तानी कुछ सर पंजाब में कुछ पुलिस वालों ने कुछ खालिस्तानी वालों का अरेस्ट किया था सर। ओके हेलो। तो बोलिए ना, तो आगे क्वेश्चन पूछिए। हेलो, क्वेश्चन बोलिए विधान, क्वेश्चन बोलिए। हम विधान से नहीं जुड़ पा रहे मुझे लग रहा है। बिट्सी, यू वांट टू से समथिंग? हाँ बोलो विधान, आगे बोलो, क्वेश्चन बोलो। हेलो सर। हाँ बोलिए, आवाज आ रही है, बोलते क्यों नहीं आप? हेलो। हाँ बोलिए, क्वेश्चन बोलिए जल्दी। विधान, कैन आई हैव अ क्वेश्चन प्लीज? आप व्हाट्सएप पे अपना क्वेश्चन लिखिएगा, वी विल डिस्कस दैट। शुभराज, सुमन, माधवी, सर एक्चुअली उसका कंटेंट मिल नहीं रहा है, वो कहीं भी घूम गई है सर। सर एक दूसरे पे डिस्कस करते हैं सर। कल का न्यूज़पेपर जैसे था कि कल का न्यूज़पेपर में हां सर आगे बोलिए। जैसे कि कल का न्यूज़पेपर था जैसे कि ऑकस, सर ऑकस जो है ऑस्ट्रेलिया ब्रिटेन और अमेरिका सर ये तीनों देश मिलकर जो ऑकस चल रहे हैं, तो न्यूज़पेपर में दिखाया गया था कि उन्होंने सबमरीन बनाया था। तो अभी अगर इसको तो यूएस अभी क्या चल रहा है कि देखिए जैसे हम न्यूज़ पे पढ़ा था तो हमको क्वेश्चन क्वेश्चन हाँ क्वेश्चन पूछो आप, क्वेश्चन क्या है? हमको सर आप सर अकॉर्डिंग टू विकास सर आपका अकॉर्डिंग के हिसाब से क्या लगता है वो बताइए। जैसे कि क्या? अभी अमेरिका जैसे कि अभी अमेरिका जैसे ऑकस में ऑकस का अंदर सबमरीन मतलब सबमरीन बना के जैसे अभी सेल करना चाह रहे हैं, जैसा बिल्कुल हाँ साउथ कोरिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जब हाँ ठीक है जी तो हाँ बोलो आगे बोलो। तो सर अभी जैसे कि आपको ये नहीं लगता कि जैसा अभी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और यूके चाह रहे हैं कि इंडिया भी हम लोग का पार्टिसिपेट हो जाए? बिल्कुल चाहेगा, बिल्कुल चाहेगा। और
इंडिया जो है अपने नेशनल इंटरेस्ट को, सोवरेनिटी को और अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए डिसीजन लेगा। वो ज्वाइन नहीं करेगा लेकिन साथ दे सकता है। साथ देने का मतलब है जहां तक जरूरत होगी इंडिया विल स्टैंड अप विद द डेमोक्रेटिक फोर्सेस, और वो चाइना या किसी और पावर जो कि इंडिया इंटरेस्ट में अगर वर्क नहीं कर रही है, और बॉर्डर डिस्प्यूट तो ऑलरेडी है ही, तो इंडिया जरूर अपने इंटरेस्ट के लिए उनका साथ देगा, ऐसा हो सकता है। जी सर। बिल्कुल सर और एक है, सिलिकॉन वैली बैंक क्राइसिस कैलिफोर्निया। सर उसमें देखिए, अमेरिका में जगह कैलिफोर्निया, वहाँ पे वहाँ का जो बैंक है एसवीबी क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन वो व्हाट इज योर क्राइस क्वेश्चन। होने का कारण क्या है? जैसे कि हम सबको पता है कि कैलिफोर्निया एक पावर बिजनेस हब है, किसी तो भी चीज का, किसी भी बैंक के कोलैप्स होने का कारण एक ही होता है, जब आप क्रेडिट पे पैसा दे देते हो, और आपने क्रेडिट पे इतना पैसा दिया और आपने अनरिलायबल सोर्सेज में इन्वेस्ट कर दिया, पूरा का पूरा पैसा आपने क्रेडिट पे उठा लिया और उसके बाद वो बस्ट हो जाए। जैसे क्रिप्टो करेंसी में अभी थोड़े टाइम पहले हो रहा था, अभी अभी थोड़े टाइम पहले ही क्रिप्टो करेंसी में भी क्रैश आया। तो अनरिलायबल, अनवेरीफाइड, और यानी कि आपने स्पेकुलेशन में बहुत ज्यादा पैसा, अगर मान लो बैंक अगर क्रेडिट वर्दीनेस को और बेसल नॉर्म्स को फॉलो करते हुए अगर नहीं करेगा, तो फिर कोई भी बड़ा, क्योंकि यूएस इकोनॉमी इज द वर्ल्ड इकोनॉमी, वो डॉलर को दिखा के चलती है पूरा का पूरा, तो ऐसे सिचुएशन फिर राइज हो जाती है। पर इंडियन इकोनॉमिक फंडामेंटल्स आर वेरी स्ट्रांग, लेकिन वो स्टार्टअप्स, वो इंडिया के यू नो कंपनीज एंड दोज यू नो व्हाट आई शुड से एंटरप्राइजेस, जिनका एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, जिनका एक्सपोजर इस तरह के क्रेडिट पे बहुत ज्यादा है, उनको नुकसान हो सकता है। लेकिन सर यहाँ पे जो सिलिकॉन वैली बैंक है, इन्होंने क्या किया कि जो भी इन्वेस्टर थे पैसा सबमिट किया, बैंक ने क्या किया एज ए हिसाब से दे दी, लेकिन बैंक का सर पैसा तो है लेकिन एज इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज और बॉन्ड, बॉन्ड का फॉर्म पैसा है सर। लेकिन अभी अभी मेरे को ये जानना है, देखिए वो बॉन्ड, सिलिकॉन अरे जो भैया वैली बैंक बॉन्ड, बॉन्ड 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 आप रखिए, बॉन्ड आप रखिए अपने पास। जब तक वो बॉन्ड का वैल्यू जब रहेगा ना, जब चीजें होंगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बॉन्ड इश्यू करता है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए, और प्रोजेक्ट ही नहीं होगा बॉन्ड का, आप क्या करोगे? आपने बॉन्ड क्या, बॉन्ड खरीद लिया, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड खरीद लिया, लेकिन वो बाद में कोलैप्स हो गया, तो बॉन्ड का आप क्या करोगे? बात खत्म। लेकिन सर यहाँ पे एक सोचने वाली बात है, जैसे सिलिकॉन वैली बैंक एक पावर बिजनेस है, देखिए वो बोलने की बातें हैं, पावर पावर इन्वेस्टर हब, कोई बात नहीं, वो पावरफुल सब्जेक्ट है, पर एक पर्सपेक्टिव है ये, पैसे सभी करते हैं, बड़ी बड़ी गलती होती हैं, डिपॉजिट ऐसा कुछ नहीं है, इससे पहले भी क्राइसिस आई हैं। आप सब प्राइम क्राइसिस के बारे में पढ़ना, फिर आप मुझे बताना, सब प्राइम क्राइसिस एक बार आप चेक करना, और एशियन एशियन कंट्रीज का फाइनेंशियल क्राइसिस, टाइगर इकोनॉमिक क्राइसिस भी पढ़िएगा, ये दोनों कॉन्सेप्ट पढ़ के आप मुझसे बात कीजिएगा, ठीक है? सो वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट पॉइंट, और इस लेक्चर को आप रिवाइज कीजिएगा, न्यूज़पेपर को भी आप देखिएगा, और वी विल मूव फर्दर। आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू पुट योर बेस्ट एफर्ट्स। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच।